वेलकम टू एकेडमिक साथी। चलिए आज हम सपोर्ट मटेरियल का सॉल्यूशन करते हैं। हमने लिया है चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। देखिए पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू मी कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा होता है। तो हमने लिखा साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू में हमने साइन की जगह कॉस की जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया, साइन 90 माइनस में थीटा, साइन से साइन कट गया, थीटा इज इक्वल टू में 90 माइनस में थीटा। तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 2 45 इज इक्वल टू में 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 1/√2 होता है, और साइन 45 डिग्री जो होता है वो भी 1/√2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों 45 पे बराबर होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए हमें दे रखा है इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू में कॉट 30 प्लस में थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू में 1/√ कॉट थीटा होता है, जानते हैं ना। तो देखिए अब जो टेन की 30 पर वैल्यू होगी वो कॉट की 60 पर होगी, इट मीन्स थीटा बराबर 60 30 डिग्री आएगा। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस में थीटा। तो हमने क्या किया, टेन थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया कॉट से, कॉट से कॉट कट गया, 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में 30 प्लस में थीटा। हमने थीटा की वैल्यू को सेपरेट कर लिया और हमने 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दिया। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया, और 90 में से 30 गया तो 60 बच जाएगा। अब हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, जब हम इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री हमारा आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें दे रखा है साइन थीटा, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस में 6 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए सेम काम इसमें भी वही काम करना है कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस में थीटा। तो अब हमें क्या करना है, साइन को कॉस से रिप्लेस कर देना है। तो हमने क्या किया, कॉस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस में 6, कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे बचा 9 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में थीटा माइनस में 6। तो 90 प्लस में 6 इज इक्वल टू में थीटा प्लस में थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पर थीटा को सेपरेट कर लिया, तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू में 96। हम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, अब हम इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 48, आंसर आ गया 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दे रखा है इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू में 7/√25, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक जो ट्रायंगल होता है उसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 7/25। तो इट मींस हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो आइए देखिए हमें दे रखा है इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है तो हमें निकालना है, और बेस हमें कितना दे रखा है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो हमें पी का स्क्वायर निकालने के लिए 25 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर अगर हमें स्क्वायर पता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 625 माइनस में 49। और अगर हमें नहीं पता है तो हम एक और तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, 25 माइनस में 7 और 25
प्लस में 7। अब हमने यहाँ पर क्या यूटिलाइज किया है, हमने किया है कि a माइनस में बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a प्लस में बी और a माइनस में बी। हम इन दोनों ही फॉर्मूलों से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आइए, क्योंकि ये आसान है तो हमें पता है कि जब हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 576, जो कि अब देखिए ये रूट है तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 में कॉट थीटा होता है। तो आइए हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर अभी ये मिल गया हमें, हमारे पास हाइपोटेनस 25 है, परपेंडिकुलर 24 है, और ये हमारे पास 7 है। तो आइए बस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो ये देखिए 24 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने 7 पुट कर दिया, और यहाँ पर मैंने फिर से 7 पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने 24 पुट कर दिया। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर अपॉन में 7 इंटू में 24। तो आंसर हो जाएगा 576 प्लस में 249 अपॉन में 168। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 625 अपॉन में 168, ये हमारा आंसर है। चलिए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू, में फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। आइए देखिए हमारे पास दे रखा है हमें टेन थीटा इज इक्वल टू में 4/3। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं, तो हम पहले मेथड देखेंगे फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमारा वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई किया था। तो आइए देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमने कहा कि ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम जानते हैं कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए हमें क्या दे रखा है 4/3, तो परपेंडिकुलर हमें 4 दे रखा है और बेस हमें 3 दे रखा है। अब हम ये भी जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में 9, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √25। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बस हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 4/5 प्लस में 3/5। और ऐसे ही यहाँ पर 4/5 माइनस में 3/5, तो हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो 4 प्लस में 3 और ये 4 माइनस में 3/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/5/1/5। तो हम इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 7/5 × 5/1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड मेथड भी है हमारे पास। देखिए सेकंड मेथड बहुत ही आसान मेथड है। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि हमें गिवन दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू में 4/3, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉस है, हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और यहाँ पर 1। ऐसे नीचे वाली इक्वेशन से भी हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में 1, इससे ये कट गया। तो देखिए साइन और कॉस क्या होता है,
ये तो टेन थीटा प्लस में वन अपॉन में टेन थीटा माइनस में वन। तो आइए टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, फोर बाई थ्री प्लस में वन, फोर बाई थ्री माइनस में वन। एलसीएम ले लेते हैं, फोर प्लस में थ्री अपॉन में थ्री और फोर माइनस में थ्री अपॉन में थ्री, तो हो जाएगा सेवन बाई थ्री अपॉन में वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा सेवन बाई थ्री इंटू में थ्री बाय वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, सेवन। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, छः की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छः में क्या दे रखा है, इफ़ थ्री एक्स इज इक्वल टू में कोसेक थीटा एंड थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू में कॉट थीटा डन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस में वन बाय एक्स का स्क्वायर। तो आइए देखिए हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है कि तीन एक्स इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉसेक बाय थ्री। और हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू में कॉट थीटा। तो यहाँ से अभी हम वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा कॉट थीटा फोन में थ्री। हम निकाल कैसे रहे हैं, इसको इसके नीचे लेके जा रहे हैं, इसको इसके नीचे लेके जा रहे हैं। आइए अब हमें इसकी जगह पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। तो थ्री हमने वैल्यू पुट की एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन में थ्री का स्क्वायर माइनस में कॉट थीटा अपॉन में थ्री का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, वन बाई थ्री का स्क्वायर कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। आइए ये हो जाएगा हमारे पास थ्री इंटू में वन बाय नाइन और ये हो जाएगा हमारे पास वन, इसको इससे काट देंगे तो थ्री, तो आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री। और वो वन कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एक्स इज इक्वल टू में ए साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू में ए कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स बराबर दे रखा है ए साइन थीटा, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। बी की जगह पर हमें क्या दे रखा है, वाई की जगह पर ए कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा दोनों का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर होता है वो वन के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 70 डिग्री माइनस में सेक 20 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं जो हम पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो हमारे पास कॉसेक 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो हमने कहा कि कॉसेक 70 डिग्री इक्वल्स टू में माइनस में सेक 90 माइनस में 70 डिग्री। तो कॉसेक 70 डिग्री माइनस में कॉसेक 70 डिग्री इक्वल्स टू में ज़ीरो, ये हमारा आंसर है। अब क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, जिस तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है, इसी तरीके से सेक 90 माइनस में थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। ये कह रहा है इफ़ 5x इज इक्वल टू में sec थीटा एंड 5 बाई एक्स इज इक्वल टू में 10 थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइव एक्स का स्क्वायर माइनस में 1/x का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी अभी हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है 5x इज इक्वल टू में sec थीटा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन में 5। और हमें गिवन क्या दे रखा है, 5x इज इक्वल टू में tan थीटा। यहाँ से हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन में 5। नाउ अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, sec थीटा। तो हमने क्या किया, sec थीटा अपॉन में 5 इसको पुट कर दिया, और माइनस में इसकी जगह पे पुट कर देते हैं 1/x की जगह पे, ये है tan थीटा अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है। तो हमने 1/5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हमारे पास ये हो गया 5 बाय 25, और ये हो गया 1। 5 के टेबल्स को काट दिया तो आंसर आ गया 1/5, ये हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर माइनस में 9 tan स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये वही बन जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में अप्लाई किया है। ये है हमारे पास क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा, जो हमारे 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9।